रंग दे रंग। नमस्कार, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। दोस्तों, आज हम एक ऐसी महान हस्ती के साथ आपका परिचय करवा रहे हैं जिनकी आवाज सुन सुनकर रेडियो पर हम लोग बड़े हुए, हम लोगों ने सीखा, हम कमेंटेटर बने। आज भी वो आवाज उसी तल्लीनता के साथ, उसी दमखम के साथ श्रोताओं का और दर्शकों का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और मनोरंजन करती है। मेरे साथ है पद्मश्री सुशील दोषी साहब। दोषी साहब नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। सबसे पहला सवाल यह कि आप क्रिकेट की कमेंट्री कर रहे हैं, शुरुआत अपनी शायद वहीं से की थी, किस सन की बात है, कहां से आपने शुरू किया? नहीं, देखिए, इंदौर के नेहरू स्टेडियम में पहली कमेंट्री की थी सन 1968 में, और तब हिंदी कमेंट्री होती नहीं थी। तब देश में शायद ये कानून आया था कि हिंदी में कमेंट्री शुरू की जाए और सभी तरफ करना आवश्यक है। तो रणजी ट्रॉफी मैचों की भी तब कमेंट्री होती थी रेडियो की जी। तो मुझे मैं पहुंच गया, लड़का सा था, थोड़ा अखबारों में लिखता था, तो मुझे लगा कि मैं भी कोशिश कर सकता हूं। मैं आकाशवाणी के स्टूडियोज़ में पहुंच गया और वहां पर स्टेशन डायरेक्टर से मैंने मुलाकात की। मुझे याद है कि मैं निकर पहन कर चला गया था और मैंने स्टेशन डायरेक्टर साहब को कहा, मिस्टर नगरकर थे वहाँ पर, उनको मैंने कहा कि सर, मैं कमेंट्री कर सकता हूँ, मुझे क्रिकेट की जानकारी है, मेरी भाषा भी ठीक है, आप कृपया मेरा ट्रायल ले लें। तो उन्होंने पहले मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मुस्कराए, उनकी मुस्कुराहट मुझे अभी भी याद है। फिर उन्होंने कहा, बॉय पुट ऑन सम ग्रे हेयर्स, थोड़े सफ़ेद बाल लाओ भाई तजुर्बे के, उसके बाद फिर कमेंट्री करना कोई इतना आसान काम है क्या? बड़ा तजुर्बा, बड़ी मेहनत और बड़ा अनुभव लगता है इसमें। तो उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। फिर आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन कमेंट्री करनी थी, तो कोई मिला नहीं। शायद बहुत सारे लोगों को कोशिश की होगी, लेकिन तब ये लोग ये कहते थे कि हिंदी में कोई कमेंट्री हो सकती है क्या? इसकी शब्दावली नहीं, हिंदी में किसी ने कभी की नहीं। और अंग्रेज़ी खेल 22 yards का खेल, जिसमें फुट पाउंड सिस्टम, FPS सिस्टम का खेल, उसमें हिंदी का क्या काम? आप भी अजीब बात करते हो, ऐसा लोग कहते थे। लेकिन फिर इस चुनौती को मैंने स्वीकार करने की ठानी और पहली कमेंट्री की। उन्होंने फिर मुझे बुला लिया क्योंकि ज़्यादा लोग मिले नहीं। रणजी ट्रॉफी का मैच, रणजी ट्रॉफी का मैच था, मध्य प्रदेश वर्सेस राजस्थान, मुझे अभी भी याद है। यानी कि आपके और हमारे बीच, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के हैं, मैं राजस्थान का हूं। तो कुलविंदर जी, आपने भी बहुत नाम कमाया मैं जानता हूँ इस बात को, और आपकी कमेंट्री का मैं भी प्रशंसक हूँ। धन्यवाद। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय इतना मुश्किल था, जब पहली कमेंट्री की ना, तो प्याले में जैसे तूफान से आ गया। लोगों ने कहा कि ये तो क्रिकेट की आत्मा को झकझोर दिया है, किसी ने लगा कि क्रिकेट की टांग तोड़ दी गई है। लोगों ने इतनी आलोचना की कि जिसके मैं कह नहीं सकता। और मेरे मासूम मन, देखिए 18-19 साल का था, इतना दुख पहुँचा। और मेरे पिताजी भी नाराज़ हुए कि अरे भाई, करना हो तो ज़रा सोच समझ कर अच्छी कमेंट्री करो, अपने पास रुपया पैसा तो वैसे भी नहीं, केवल नाम ही थोड़ा बहुत है, वो भी अगर इस तरह से अखबारों में छप रहा है तो नाम बदनाम होगा। कुछ सोचो और इस तरह सोचो, महसूस करो, अंग्रेज़ी में सोचना बंद करो। उनकी जो बात है ना, वो मैं मुझे इतनी प्रेरणास्पद लगी और आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं सोचता हूँ। उन्होंने कहा, चीज़ों को देखो, महसूस करो और फिर हिंदी में सोच कर उसको बोलो, ताकि जो आप महसूस कर रहे हो वो लोगों को महसूस कराओगे। आपके साथ कौन थे पहले मैच में? नहीं, पहले मैच में चंदू सरवटे, जो टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं भारत की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेल चुके थे, रणजी ट्रॉफी के बहुत बड़े खिलाड़ी, और उनके नाम पे सरे का एक, सरे में आखिरी विकेट की भागीदारी का शूटिप बनर्जी के साथ में एक बड़ा रिकॉर्ड भी है। तो वो थे, तो बड़े जानकार थे, बड़े सज्जन पुरुष थे, तो उनका साथ मुझे मिला। तो पहले मैच में वो अंग्रेज़ी में कर रहे थे, मैं हिंदी में कमेंट्री कर रहा था। सन 1959 में ऋषि बेनो की टीम भारत आई हुई थी और मैंने पिताजी से जिद पकड़ी कि मुझे वो मैच देखना है किसी भी तरह से। मुंबई में टेस्ट मैच हो रहा था और मैंने जिद पकड़ी, तो पिताजी ने पता नहीं, तमाम गरीबी के बावजूद भी मुझे बम्बई ले जाने के लिए तैयार हो गए। 4 दिन तक हम पिता पुत्र उस स्टेडियम के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहे, टिकट तो मिल नहीं रहा था। एक पुलिस वाले ने हमें देख लिया और उसको लगा कि ये पिता पुत्र रोज चक्कर काट रहे हैं, तो उसने पहचान लिया। पिताजी को कहा कि
क्या कुछ जुगाड़ नहीं जमा क्या? अच्छा, टिकट नहीं मिला क्या? तो पिताजी ने कहा कि नहीं, देखिए मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं, बच्चा इंदौर से आया है और इसका दिल टूट जाएगा अगर ये मैच नहीं देख पाएगा, तो इसको जैसे तैसे मैच ज़रूर दिखाना है। तो उसने पुलिस वाले ने दया करके कहा कि देखिए मैं इसको अंदर ठेल देता हूँ, लेकिन आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। देखो पुराने ज़माने में क्या पिता, पिता ऐसे ही, आजकल तो वैसे पिता भगवान ने बनाने बंद कर दिए, लेकिन पिता ने कहा वो खुश हो गए, मुझसे ज़्यादा खुश वो हो गए कि मैं बाहर खड़ा रहता हूँ, बच्चे को आप अंदर कर दीजिए। तो उसने मुझे अंदर कर दिया। मैं तो 13 साल का था, इतनी संवेदना भी नहीं थी कि आदरणीय पिताजी बाहर खड़े हैं। मैं तो खुशी से फुदकता हुआ अंदर चला गया। स्टेडियम के अंदर देखा तो दृश्य देखकर रोमांचित हो गया। देखा 50,000 दर्शक, कोई ढोल नगाड़े बजा रहा है, कोई भारत का तिरंगा झंडा लेके लहरा रहा है, ज़बरदस्त भीड़ है, कोई नारे लगा रहे हैं लोग। और तभी मेरी दृष्टि कमेंट्री बॉक्स पर पड़ी और मैंने पूछा किसी से कि यहाँ कौन कमेंट्री कर रहा होगा और क्या दृश्य दिख रहा होगा इनको, बर्ड्स आई व्यू ऊपर से। तो ये कमेंट्री बॉक्स में कौन बैठा है? तो किसी ने कहा विजय मर्चेंट और बॉबी चलियार खां क्या बात बैठे हैं। तो मेरे मन में एक भूख सी उठी कि क्या कभी मुझे यहाँ बैठने का मौका मिलेगा। और देखिए जंगली सपने कभी कभी कैसे सच होते हैं। सन 1972-73 में जब मैंने अपने जिंदगी का पहला टेस्ट मैच किया इंग्लैंड के खिलाफ, बॉब टोनी लुइस की टीम आई थी, तब पहला टेस्ट मैच किया था, तो उसी ब्रेबोन स्टेडियम से और उसी कमेंट्री बॉक्स से किया। क्या बात। और आपके साथ कौन कमेंटेटर थे अंग्रेजी में? उस समय हिंदी कमेंट्री अलग होती थी, अलग की थी, और अंग्रेजी कमेंट्री अलग। हिंदी में आपके साथ कौन थे? हिंदी में मेरे साथ थे जोगा राव और जसदेव सिंह जी। तो मैं जूनियर था तो मेरा नंबर तीसरे नंबर पर आया, लेकिन मुझे याद है कि धर्मयुग जैसी पत्रिका ने हम तीनों के फोटो छापे थे और उन्होंने कहा था कि एक बड़ी शुरुआत हिंदी भाषा के लिए हो गई है और इनका कर्तव्य बहुत बढ़ गया है हिंदी को आगे बढ़ाने का। नहीं, मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा कर लिए हैं कि अब तो मैं गिनती भी भूल गया, 500 के करीब तो हो ही गए, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच और T20 मैचेस, और करीब 87 टेस्ट मैचेस मुझे जहाँ तक याद है, 87 टेस्ट मैचेस मैंने किए हैं। लेकिन मैं हमेशा ये गिनता हूँ कि ज़्यादा करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अच्छा करना महत्वपूर्ण है। तो मैं ये सोचता हूँ जिस अगर आपने कमेंट्री की है, समाज पर उसका प्रभाव पड़ा है, असर पड़ा है, असरदार कमेंट्री की, लोगों के मन में उतरने में सफल हुए, तो फिर आपने एक कामयाबी हासिल की है, अन्यथा समझ लीजिए कि आपने बस कमेंट्री की है और वापस घर आ गए। आपने सर सरदार के साथ भी असरदार कमेंट्री करी है जसदेव सिंह की मुराद है। हाँ जी हाँ, जसदेव सिंह जी के साथ भी कमेंट्री तो की है और वो भी उनसे मैंने बहुत सीखा है। माइक सेंस जो होता है ना जी, कि माइक सेंस कि कब बोलना और कब चुप रहना, पॉज का महत्व उनसे समझा जी। कई लोग देखिए आपको बताते नहीं हैं, लेकिन अगर आप जागरूक हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं और दिमाग के दरवाजे बराबर खुले रख रहे हैं, तो फिर आप याद रखते हैं कि क्या सीखना है। तो आपने देखा कि वो किस तरह से बोलते थे, कब चुप रहते थे, तो कई चीज़ें उनसे भी सीखने को मिली। तो ये क्रिकेट के अलावा भी आपने किसी खेल की कमेंट्री करी? मैंने टेनिस और टेबल टेनिस और बैडमिंटन की कमेंट्री की है, खो खो की भी की है। अच्छा, लेकिन टेनिस और टेबल टेनिस और बैडमिंटन में खुद खेला हुआ भी हूँ। अच्छा। तो और मैंने कई डेविस कप मैचेस किए हैं, कमेंट्री की है जी। तो दूरदर्शन के लिए भी डेविस कप के कई मैचेस पहले, लेकिन बाद में फिर ये लगा कि भाई एक क्रिकेट में एक्सपर्ट की तरह रहना चाहिए, तो क्रिकेट ही कमेंट्री बाद में ज़्यादा की। दोषी साहब, एक सवाल यह मेरा रहेगा कि आपने कमेंट्री के लिए कितनी विदेश यात्राएं करी हैं? नहीं, वैसे तो मैं देखिए ऑस्ट्रेलिया गया सन 1977-78 में, 78 में ही पाकिस्तान गया, और पाकिस्तान दो बार गया, 1978 में और 1982 में, और इंग्लैंड गया 1979 में, फिर साउथ अफ्रीका गया, ये बाद में गया 1996-97 में, और तभी श्रीलंका भी गया, अमेरिका भी गया कमेंट्री करने के लिए, डबल विकेट वर्ल्ड क्रिकेट चैम्पियनशिप हुई थी उसके लिए भी गया। तो ये तमाम देशों की यात्राएं मैंने की, और सिंगापुर और हांगकांग तो कई दफ़े गया। कोई रोचक किस्सा हो कमेंट्री के दौरान आपके पास, जिसको आज भी आप याद करते हैं, कभी या तो गुस्सा आता होगा या हंसी आती होगी? नहीं देखिए कमेंट्री दिक्कतें बहुत आती हैं कमेंट्री में, हमें भी आती हैं, तो कोई रोचक किस्सा? कीथ मिलर का नाम आपने भी सुना होगा, दुनिया के महानतम ऑलराउंडर्स में अगर आज भी नाम लें 10 लोगों के,
कीथ मिलर का नाम लिया। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था 1977-78 में, तो वो कमेंट्री कर रहे थे पड़ोस के कमेंट्री ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लिए। तब वो एक बार जब मैं कमेंट्री करने के बाद उठा तो पीछे देखा तो कीथ मिलर खड़े थे। तो अब हिंदी तो उन्हें समझ में आती नहीं, तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि इतना बड़ा खिलाड़ी जिनके मैं फ़ोटो इकट्ठे करता था वो मेरी कमेंट्री सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बॉय आई हैव नॉट अंडरस्टूड वट एवर यू हैव सेड, बट जो कुछ मेरे कानों में गया वट एवर वेंट इन टू माई ईयर्स वॉज वेरी स्वीट। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कॉमेंट था। और एक बहुत बड़ा कॉमेंट कॉमेंट्री के लिए जो मुझे नगरकर साहब, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, स्टेशन डायरेक्टर थे ऑल इंडिया रेडियो इंदौर के, उन्होंने कहा था कि इस लड़के की आवाज़, लोग भले ही कितनी भी आलोचना करें लेकिन इस लड़के की आवाज़ में एक विशेष बात है, और वो बात है इसकी आवाज़ ईमानदार आवाज़ है। अब मुझे याद है कि फिरोज शाह कोटला ग्राउंड पर एक मैं कमेंट्री कर रहा था और एक मैं सनी गावस्कर तब खेल रहे थे 86-87 नॉट आउट थे जी। तब मैंने और शाम ढल रही थी, तो मैंने कहा था कि शाम ढल रही है, खिलाड़ियों की परछाइयाँ लंबी हो रही हैं, लेकिन भारत का सूरज सनी गावस्कर अभी भी पूरी चमक के साथ विद्यमान है। क्या बात। तो वो एक साहित्य भी हो गया, क्रिकेट भी हो गया, लोगों ने बहुत पसंद किया था उस बात को। तो उसमें भावुकता का क्षण तब आया जब एक क्रिकेट खिलाड़ी जो वहाँ फील्डिंग कर रहा था, विदेशी क्रिकेट खिलाड़ी था, उसने ही वॉज सरप्राइज कि लोगों ने तालियां बजाने शुरू कर दी थी फिरोज शाह कोटला ग्राउंड के स्टैंड से। तो उन्होंने एक दर्शक से पूछा कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई आर यू क्लैपिंग, नथिंग इज हैपनिंग ऑन द फील्ड। तो उसने कहा कि द हिंदी कॉमेंटेटर हैज समथिंग सेड समथिंग वेरी स्पेशल, दैट इज व्हाई वी आर क्लैपिंग। तो ये बात जब द सेम क्रिकेटर टोल्ड मी आफ्टर द मैच। सर, आपको जो अवार्ड मिले हैं कमेंट्री के लिए उसके बारे में बताइए। नहीं, सबसे बड़ा अवार्ड तो देखिए पद्मश्री अवार्ड 2016 में मिला, भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। मैं समझता हूँ मेरे अलावा ये हिंदी का बड़ा बहुत बड़ा सम्मान था, इस बात का मुझे गर्व रहा। और उसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राइज़ मिला, मध्य प्रदेश सरकार ने दिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया। फिर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने भी मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राइज़ दिया। और यूँ देखा जाए तो जेसीस का ऑल इंडिया वन ऑफ द टॉप 10 आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द कंट्री। आजकल जो कमेंट्री का स्तर है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? रेडियो कमेंट्री में भी कोशिश यही करनी चाहिए, हम लोगों ने अपना मौलिकता कभी नहीं छोड़ी। और हमारी शब्दावली, तीन स्लिप और दो गली, इंतज़ार कर रहे थे किसी भी कैच को लेने के लिए, या तमाम जो शब्दावली या स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और स्क्वायर कट कर दिया चार रन के लिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी भाषा खुद की। और सबसे अच्छी बात हमारे वक्त के जो भी कमेंटेटर्स रेडियो के थे, मेरा वक्त तो अभी भी चल रहा है, मैं अभी भी कमेंट्री कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त जो जब हमने शुरू की थी ना, हर एक कमेंटेटर अपनी शैली और अपने हिसाब से विख्यात था। तो उससे क्या था, लोगों को एक अलग तरह का डायमेंशन मिलता था, उनको अच्छा लगता था कि अलग अलग शैली में कमेंट्री करने को। मैंने सुना है आप पाकिस्तान भी गए थे कमेंट्री करने। पाकिस्तान दो बार गए। कैसा प्यार मिला पाकिस्तान से आपको? पाकिस्तान में काफ़ी प्यार मिला, और हालांकि वो चाहते तो थे कि आप पराजित हों, लेकिन लोगों का प्यार बहुत, लोगों को तो नफरत है ही नहीं आप लोगों से, ये तो वहाँ का सरकारी महकमा जो है वो कोशिश करता है। आवाम मिलना चाहती है? आवाम तो बहुत मिलना चाहती है और बहुत प्यार करती है। आपको आश्चर्य होगा कि अमृतसर रेडियो लगता था, पूरे लाहौर में मैच चल रहा है, अमृतसर रेडियो सुन रहे हैं पूरे लाहौर स्टेडियम में, और हम लोग बहुत लोकप्रिय थे वहाँ पर। और कई लोग तो ये भी कहते थे कि यू आर ए हाउस होल्ड नेम, अभी भी मेरे बारे में पाकिस्तान में लिखा जाता है। अभी हैदराबाद में किसी ने सिंधी में एक आर्टिकल लिखा मेरे बारे में, तो ये चलता रहता है। कितने ही वाक्य जो मेरे बनाए हुए आज प्रचलित, एक दो बताइए सर हमारे सुनने वालों को याद है। हम कहते हैं कि कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, उसको मैंने नाम दिया था शंका के गलियारे में बोलिंग कर रहे हैं। तो ये इतना अच्छा लगा, टेलीविजन चैनल्स पर भी सब ने कहा कि इतना अच्छा तो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी भी नहीं लगता जितना कि शंका के गलियारे में बोलिंग कर, जो शंका पैदा करता है बैट्समैन के दिमाग में कि ऑस्टम के बाहर जाएगी या अंदर की तरफ आएगी, खेलें कि नहीं खेलें, ये शंका जो पैदा करता है, शंका का गलियारा उसे कहा। उसके अलावा भी कई है कि जैसे चार रन के लिए, ये तो सारा हिंदुस्तान आज जानता है कि कई लोग उसकी कॉपी भी करते हैं, लेकिन मैं हमेशा कॉमेंटेटर्स को ये भी कहता हूँ कि मौलिक रहने की कोशिश कीजिए।
हम लोग इसलिए आज दिल में बसे हुए हैं आज भी उस वक्त के कमेंटेटर्स, क्योंकि सभी मौलिक कमेंटेटर्स थे अपनी अपनी शैली के। लाहौर में एक मैच हो रहा था, उस समय लाहौर में एक पार्टी रखी गई भारत की तरफ से, जिस फतेह सिंह राव गायकवाड़ जो हमारे मैनेजर थे उन्होंने पार्टी रखी थी और सभी बड़े बड़े पाकिस्तान के लोगों को बुलाया था। तो उस में हमने देखा कि तभी जब मैं भी खड़ा था वहाँ पे, सुनील गावस्कर साहब भी खड़े थे, और बुलाया जैसे ही तभी एक आवाज़ आई कि वो आ गई, तो सब लोगों ने नज़र उधर उठाई कि कौन आ गई। मैं भी युवा था तो मैं भी ज़रा रोमांचित हो गया कि आखिर आ कौन गई। तब देखा कि एक मिडिल एज्ड वुमन आ रही थी वहाँ पर, और उनके इर्द गिर्द बड़ी गहमा गहमी लगी हुई थी, बड़ी स्टार लगती थी वो, और मैं तो पहचानता नहीं था। तब गायकवाड़ साहब ने उन महिला से परिचय कराया गावस्कर साहब का कि ये सुनील गावस्कर हैं, भारत के महानतम खिलाड़ी हैं और सबसे बड़े ओपनिंग मैच में भारतीय कप्तान हैं, यहाँ आए। उन्होंने कहा कि ये मैं तो इनको नहीं जानती, मैं तो इमरान खान और ज़हीर अब्बास को जानती हूँ। तब उन्होंने गावस्कर साहब से पूछा था, आप जानते होंगे इनको, तो ये मल्लिका है, तरन्नुम नूरजहां, मैं भी ये सोच रहा था नूरजहां होंगे। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, मैं तो इनको नहीं जानता, मैं तो लता मंगेशकर को जानता हूँ। हाय हाय, ये मैं कभी भूलता नहीं।